क्यों बैठा था तू सुबह सुबह मेरी वॉच को मुंह में लेके हैं? देखो अब कैसे नजरें चुरा रहा है। नजरें मत चुरा, देख आज के बाद ये वॉच तेरे को नहीं लेनी, समझा? अगर तूने ली तो तू मेरे को नई एप्पल वॉच दिलाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइस? जस्ट मैं अभी उठा हूँ क्योंकि पूरी रात नहीं सोया था, एडिटिंग चल रही थी। सोया हूँ, फिर 2-3 घंटे सोया, फिर उठ गया। चलो उठते हैं और देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। ये इंस्टा क्या कर रहा है यहाँ पे? एडिटिंग देख रहा है। एडिटिंग देख रहा है ये? बुढ़ी प्यार से बैठ के देख रहा था। इंस्टा इंस्टो हाँ, क्या देख रहा है? एडिटिंग देख रहा है, एडिटिंग। चलो बैठ जा, सेट सेट सेट, वेरी गुड बॉय। तो सारी बात मानता है। चलो भाई, कितना काम हो गया वीडियो का? जल्दी वीडियो आ जाएगी आपके मेन चैनल पर। चलो फिर, कुछ खाया तुम लोगों ने? हाँ खा लिया। चलो ठीक है, इसको भी सिखा रहे हैं एडिटिंग, बार बार आ रहा है। इसको एडिटिंग सीखने सिखाई दे इसको। इसको तो आती है। अच्छा। इसने तो सिखाई है मेरे को। अब ये देख रहा है कि ढंग से काम कर। भाई अभी एक कमेंट आया, लिखा मैं जैसे उठाना, मतलब उठ के फोन खोला ही मैंने, सबसे पहला कमेंट ऊपर आया, विनय भैया बहुत सोते हो। भाई इसको देखकर मेरे होश उड़ गए। मतलब पूरी रात, कल पूरा दिन शूट किया, पूरी रात एडिटिंग करी, जागे सुबह तक, जागे सुबह सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए सोया, उसमें भी कमेंट आ रहा है मैंने भैया बॉस होते हो। भाई माफ कर दो यार रचित को, यार उसको कमेंट करो कि वो मेरे को ना बोला करे बॉस होता है, मैंने बॉस होता है, मैं नहीं सोता इतना, नहीं सोता ना। ये देखो गाइस कौन सो रहा है। देख लिया, हो गया यकीन? मैं तो जाग रहा हूँ, सो कौन रहा आपको पता लग गया? तो प्लीज़, सो प्लीज़ विश्वास करो, तुम्हारा भाई बहुत कम सोता है। तो गाइज फिलहाल मैं भी नहाया तो नहीं हूँ, जस्ट मैंने कपड़े वपड़े चेंज करे और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं, रचित अभी और भी लोग अभी घर पे आए हुए हैं, तो अभी चलते हैं। रचित मेरा वेट कर रहा है नीचे। शिबू गुड मॉर्निंग। भाई शिबू उठ गई है, शिबू एडिटिंग कर रही है। इंस्टा देखो, लिफ्ट तक आ गया था कि ये कहाँ जा रहा है, मैं भी इसके साथ जाऊँगा। उसको बाहर घूमने का बहुत शौक है इंस्टा को। तो गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी है। अभी हम बाहर गए थे, घर पे राहुल भाई वगैरह आ रखे थे और पंकज भाई वगैरह आ रखे थे। फिर अभी हम कुछ बाहर खाने भी आए थे, खा लिया है। रचित वगैरह भी वहीं पे है, तो मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एडिटिंग वगैरह करनी है। तो अपनी एसयूवी तो यहाँ पे खड़ी है, बट मैं इससे नहीं जा रहा, इससे रचित बाद में आएगा। मैं जा रहा हूँ राहुल भैया की सियाज से। सियास पार कर दिया, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ मिक्की माउस क्या कर रहा है, सिब्बू क्या कर रही है। और फिर उसके बाद सुबह से नहाया भी नहीं क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे, खाना भी है, रेडी वेडी भी होना है, उसके बाद फिर वीडियो देखने की तैयारी हुई क्योंकि आज का मेरा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग पे, पूरा ध्यान मेरा वहीं पे है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया इंस्टा? मैं ही तो था, भौंक रहा है। हाँ भाई कितनी हो गई वीडियो एडिट? म्यूजिक रहा, मैं व्लॉग आ जाता, बना ही नहीं पा रहा यार। वीडियो की टेंशन हो रखी है ना, कल वीडियो आनी है। वीडियो तो कल आई जाएगी, उसकी दिक्कत ले रहा है इंस्टा। तुझे भी टेंशन है? अच्छा तू भी तो था एक्टर। अभी बज रहे हैं रात के 8 और आपको पता ही है सुबह थोड़ा उठने में लेट हो गया था, जस्ट बिकॉज लेट सोया था, वीडियो एडिटिंग हो रही थी इसलिए। बट क्या करूँ, व्लॉग भी बनाना है और वीडियो भी करनी है। और गाइस आपको एक बात बताता हूँ जो मुझे सुबह सुबह अमन ने बताई। सुबह जब मैं उठा, मतलब जब मेरी आंख लगी ना, तो मैंने अपनी वॉच उतार के चेयर पे रख दी थी नींद में। इंस्टा पता नहीं कब आया, इंस्टा मेरी वॉच ले गया। सुबह अमन ने इंस्टा को देखा तो इंस्टा के मुंह में मेरी वॉच थी, समझ रहे हो? बट वो तो ठीक है कि एक दो स्क्रैच आए ठीक है, इसने चबाई नहीं, अदरवाइज एप्पल वॉच का नुकसान हो जाता और 55,000 पानी में हो जाते। अभी रुको इंस्टा से ही बात करते हैं, वो चाहता क्या है। इंस्टा क्यों बैठा था तू सुबह सुबह मेरी वॉच को मुंह में लेके हैं? गौर से देखिए इस चेहरे को, ये जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। ये देखो देखो गाइस, अपनी मासूमियत दिखा रहा है ये, पर आपको नहीं पता बहुत शैतान है एक नंबर का। वॉच खा जाता तू मेरी आज, नुकसान कराया था 55,000 का, तो दिलाता भी मेरे को नहीं एप्पल वॉच। देख यार कितना शरीफ, देख भी क्यों उसको कितना शरीफ हो रखा है, कैसी शक्ल बना के बैठा है, इसको पता है ना इसने गलती करी है। इंस्टा वेरी रॉन्ग। चल कोई नहीं यार, अपना ही बच्चा है भैया। तो भाई अभी मैं उठाऊं और देखो कॉफी बनाई है मिक्की माउस ने, थैंक यू ब्रो। और कॉफी पियेंगे, नींद को पकाएंगे और फिर अब काम करेंगे। तो भाई अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। चले भाई, चलो भाई हम जा रहे हैं द्वारका और वहां से फिर करेंगे अमन को पिक। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं द्वारका अमन को लेने के लिए। अमन तो सुबह ही अपने घर जा चुका था क्योंकि उसको जाना था, उसको कुछ काम था। बाकी आज का हमारा दिन बहुत ज्यादा बिजी था, एडिटिंग में बिजी था, फिर मैं रचित के साथ बाहर गया किसी काम से, उसमें बिजी था। बस अभी पहुंचने में हमको लगेगा, दिखा रहा है करीबन 50 मिनट्स, तो वही अभी रात हो रही है तो 45 मिनट्स मान लो आप। तो भाई हमेशा की तरह दिल्ली से गुड़गांव वाले टोल जब हम क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, और अभी भी हम लोग ट्रैफिक में हैं देख लो यार। बट स्टिल अभी हमको दिखा रहा है पहुंचने में 20 से 25 मिनट। ओ भाई कहाँ फंस गए हम।
तो भाई अभी हम अमन के घर के नीचे खड़े हैं और पहुंच गए अमन को लेने। अब भाई बैठो, ये क्या है? मिठाई लाया तुम्हारे लिए हिमाचल से। हिमाचल से? ओ थैंक यू। की लोकल जो होती है हमारी फेमस मिठाई वो। थैंक यू ब्रो, अभी खाते हैं इसको, चल के बैठो। तो गाइस देखो, मैंने अभी अमन को पिक कर लिया है, बस अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव। आपको पता है अमन को हम किस लिए लेने आए थे? अमन कहता भाई रबड़ी फलूदा खाना है। मैंने कहा ठीक है, गुड़गांव में बढ़िया मिलता है। अब सोचो मैं गुड़गांव से द्वारका सिर्फ रबड़ी फलूदा खिलाने के लिए इस बंदे को लेके आया हूँ। ये बंदा कहता भाई आऊं कैसे, ये भी बात सही है, आऊं कैसे। मैं कहा भाई मेट्रो, मेट्रो से दूर पड़ता है, मेट्रो ही बंद हो गई, रात हो गई। तो फिर अब मेरी टियागो, टियागो का तो मैं आपको बताऊंगा क्या हाल हो रखा है। अब बची एक्सयूवी, तो एक्सयूवी से आना पड़ा। मैं तो देखो ऐसा हूँ, मेरे तो कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ मुझे जाना है। अगर यारी दोस्ती वाली बात है ना, तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊँ किसी को भी लेने, कोई मैटर नहीं करता भाई। कौन सी गाड़ी कितना तेल लेगा, क्या नहीं लेगा, कितना दूर है ट्रैवल करना है, गाड़ी चलानी है, दोस्ती मैटर्स अ लॉट मेरे लिए। तो ये बात आप लोग जानते ही हो, आप व्लॉग्स पे भी कमेंट करते हो अच्छी तरह मेरे को लेके, आपको पता ही है। तो ऐसी एक दो मेरे दोस्त और है खास दिल के, और मेरे कोई ज्यादा खास दोस्त नहीं है, लिमिटेड फ्रेंड्स है। हाँ सर्कल बहुत बड़ा है, 3 या 4 जो है वो है डायमंड्स। ये मेरी वॉच है, ठीक है? आगे से कभी तूने इसको भी, कभी भी इसको तूने चबाया है, मुंह में लिया, तो तुझे पता है ना फिर क्या होगा, बहुत डांट पड़ेगी और पिटाई भी होगी। तो आगे से गलती नहीं करनी। देखो अब कैसे नजरे चुरा रहा है, नजरे मत चुरा। देख आज के बाद ये वॉच तेरे को नहीं लेनी, समझा? अगर तूने ली तो तू मेरे को नई एप्पल वॉच दिलाएगा। तू मुझे नहीं पता, तू एक्टिंग करेगा, कुछ भी करेगा, सर्कस में जाएगा, पर तू नई वॉच मुझे दिलाएगा। तूने आज नुकसान करते करते छोड़ा है, आज के बाद नहीं चाहिए। देखो बोर हो गया वो, इग्नोर इग्नोर डीट सरम नियाकों में जरा सी भी, आज के बाद नहीं करना, ठीक है? कोई बात नहीं यार, अपना ही है यार, गाइस देखो अपना ही है यार, अपना ही फैमिली मेंबर है, तो मार नहीं सकते, पर ठीक है इसी बात पे ले, मैं तो ले रोटी लाया हूं। कोई बात नहीं, रोटी का। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं भी मत जाना, ठीक है? हाँ तो एक बात और गाइस, मेरे मेन चैनल पे वीडियो आ चुकी है डॉग हो तो ऐसा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि जल्दी जाके देखो, लाइक करना, कमेंट करना, अपने फेवरेट पार्ट जरूर बताना, मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस डिस्क्रिप्शन में जाओ जल्दी से, लिंक पे टैप करो, वीडियो को देखो, बताओ कैसी लगी। बाय।